हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? तो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी हूँ। तो यहाँ पे मैं डॉटर्स डे पे बनाई थी डोनेट। तो डोनेट गेहूँ के आटा से मैं बनाई थी। और कैसे घर पे डोनेट अच्छा बन जाती है मार्केट जैसी, तो ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे लेना है गेहूँ का आटा, उसमें डालना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और इसमें 2 से 3 चम्मच डालना है घी, और 1 चम्मच डालना है ऑयल, और 1 से 2 चम्मच डालना है दही, और सबको मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग घी ही डालें और 1 चम्मच ऑयल डालें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शुगर पाउडर। शुगर पाउडर डाल के सारे को मिक्स कर दें, 2 चम्मच दही डालें, और मिक्स करके एक अच्छे से डो रेडी करना है। जैसे हम लोग लिट्टी का बनाते हैं उसी प्रकार इसको करना है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से इसे करना है। क्योंकि इसमें जब चीनी के पाउडर मिलती है तो इस खुद ब खुद सॉफ्ट होती जाती है, तो इसलिए ज़्यादा इसे नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसे डो रेडी कर रही हूँ, और पानी हल्का हल्का डाल के इसे रेडी करें ताकि ये एक बार डाले तो गिला ना हो जाए। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल के मैं रेडी कर रही हूँ, और यहाँ पे डो मेरा हो गई थी, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दी थी। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे तेल लगा के बेल रही हूँ, और ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, रोटी जैसा हम लोग जैसे पतला पतला भी नहीं बेलना है, मोटा भी नहीं बेलना है, जैसे हम लोग नीमकी वगैरह का थोड़ी मोटा रखते हैं 1 इंच बराबर, उस टाइप के करना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से बेल लेना है, और बेल के यहाँ पे रखना है कटोरी, कोई साइज का कटोरी लेना है, चाहे जितना बड़ा बना सकते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं या छोटा, तो मैं इस साइज का कटोरी ली हूँ, और इस तरह से इसे कट कर लेना है। तो देखिए ये बिल्कुल इस तरह से कट सारे को कर लूँगी जितना भी आ जाए इसमें, और देख सकते हैं आप लोग। आप लोग देखिए कैसे मैं कट कर रही हूँ। तो गाइज ये जो मार्केट वाली है, आपको पैसा भी लगेगी और बच्चे लोग का मन भर नहीं होता है, और घर पे बनाइएगा तो एकदम संतुष्टि से पेट भर के खाइएगा थोड़ी ही लागत में। तो यहाँ पे देखिए आप लोग के मार्केट में बहुत पैसा भी लग जाएगी, और बच्चे लोग को मतलब थोड़ा सा पेट भरता नहीं है, मन नहीं भरता, और इसमें बीच में भी एक कोई ढक्कन लेना, उसे कर लेना है कट, और इस तरह का डोनट का शेप देना है, और इसे धीमी आंच पे फ्राई करना है। फ्राई ब्राउन होने तक करें, फ्राई आप तेल घी किसी चीज़ में कर सकते हैं, इसका नहीं है, पर जो हम लोग मोम डालते हैं ना वो घी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी डोनट बन चुकी है। मेरी बेटी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हो गई कि मम्मा आज डॉटर डे पे तुमने मेरा फेवरेट बना के दी हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बेटा बेटी दोनों खुश हो गया था, और उन लोग को डोनट बहुत पसंद आती है। तो इसलिए आप लोग बच्चे को खुश रखने के लिए हर एक चीज़ घर पे ही बना के खिलाएं, ताकि बाहर का सामान ज़्यादा नहीं खिलाएं, घर पे ही यूज करके खिलाएं। घर पे क्या होता है, कम लागत में पेट भर के सामान बन जाती है, जितनी लागत में आप बाहर से लाते हैं 1-2 आदमी के लिए, और घर में उतनी लागत में पूरे परिवार के लिए हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी लागत में, आप लोग देखिए कितना आटा था, और यहाँ पे डेरी मिल्क को मैं यहाँ पे थोड़ी सी दूध डाल के, और इसे मैं इस तरह का बना ली थी, और यहाँ पे देख सकते हैं डेरी मिल्क और डार्क चॉकलेट मिक्स करके मैं ये बनाई हूँ, और यहाँ पे इस तरह से मैं इसे सजा दूँगी। और अगर आप लोग के पास और कुछ ऊपर से सजाने के लिए तो आप लोग सजा सकते हैं, मैं यहाँ पे डार्क चॉकलेट को चूर करके सजाई थी, और आप लोग चाहें तो इस पर ड्राई फ्रूट्स से भी सजा सकते हैं। तो ये मेरा बेटी का फेवरेट था इसलिए डार्क चॉकलेट से सजाई हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब।